ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में एनएसयूआई के छात्र नेता द्वारा हंगामा करने के दौरान अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया गया, जिससे वहां कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया। वहां तैनात लोगों ने प्रथम भदौरिया नामक इस क्षेत्र को चैम्बर से बाहर निकाला और उसे इस तरह का प्रयास करने नहीं करने की सुनवाई दी। दरअसल बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कुछ छात्र वैल्यूएशन में फेल हो गए थे, जिसकी रिटोटलिंग कराई गई थी, उसमें भी एक रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। इसे लेकर छात्र आंदोलित थे। एनएसयूआई के आरोप है कि छात्रों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। एक साथ 2500 दर्जन से ज़्यादा छात्र फेल कर दिए गए हैं, इसलिए छात्रों का आक्रोश गुस्से में तब्दील हो रहा है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ 2 बार चेक हो चुकी हैं, कुछ छात्रों के रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए वो आंदोलित हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यदि किसी विशेष छात्र के बारे में इस तरह की शिकायत है तो कुलपति ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उसकी उत्तर पुस्तिका को एक बार फिर से दिखवा लिया जाएगा, लेकिन फेल छात्र को पास करना संभव नहीं है। छात्र द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालने की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। काफ़ी देर तक छात्र हंगामा करते रहे और एनएसयूआई जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वो कुछ देर के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे। मैं प्रथम भदौरिया विधानसभा अध्यक्ष एनएसयूआई ग्वालियर 15। सुधार करने में कोशिश की। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के छात्रों को 00 मार्क्स इन लोगों ने दिए यूनिवर्सिटी में से 00 मार्क्स। छात्र 30-40 पेज भर के आया हुआ है और उनमें से सब मैंने रिटोल्डिंग के लिए इनको सर को फॉर्म दिया था, सारे फॉर्म भरवाए और RTI से कॉपियाँ निकलवाई। कॉपियों में से इतने सारे पेज हैं, सबों 35-40 पेज बच्चा छात्र मेहनत करके पेज भर के आया है, उन छात्रों को सबों को फेल कर दिया गया। मैं सर के पास कंट्रोल साहब के सर के पास गया हुआ था, अरुण चर स्वर्ण चर्चा जी बस गया था, इन सबों ने मेरे को कॉपी दिखाई, मेरी सर 00 मार्क्स छात्रों को दिए, इनका निराकरण कराएं, सबों की टोटलिंग करवाएं और सबों को अपने हिसाब से आप सबों को दिखवाएं। सब छात्र पास होने लायक थे, सबों को 80-80 मार्क्स सबों में आए, फिक्स में आए हैं। किसी को मैथ में 00 मार्क्स दे दिया है। 00 मार्क्स किस मकसद पर दे दिया है? आपने कॉपी मतलब चेक ही नहीं की। रिटोटलिंग के लिए कॉपी भेजी गई, रिटोटलिंग कॉपी ने चेकिंग करवाई, कोई चेकिंग करवाया नहीं रिटोटलिंग के लिए। आज भी छात्र रिजल्ट आया, छात्रों को फेल कर दिया गया। आज भी सारे छात्र 5 छात्र हजार छात्र भी 90 से साथ फेल हुआ है, उन छात्रों में 5 छात्र आज मरता, वो छात्र आज जो कर्जा लेके पढ़ रहा है वो तो सर उसमें मरने ही अब हो जाती स्थिति, छात्र वो तो मरता। छात्र मैं सोचा मैं 1500 2000 1500 2000 1500 2025 छात्र मरेंगे उस छात्र बदले मैं आत्मनिर्भर कर लेता हूँ। इनको मास्टर साहब को इसका मतलब वो समय में आएगा कि छात्र की जान की कीमत कितनी होती है। BAB प्रशासन और छात्र ABB छात्र प्रशासन सब हमारे विरोध में चलते हैं। छोटे छोटे कुछ हमारे साथ धारा लगाई जाएंगी और केस लगा दिया जाएगा। या छात्रों को विरोध करना भी ये कोई हम आतंकवादी थोड़ी है जो केस लगा के हम लोगों को जेल भेज देते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के छात्र का रिजल्ट आया था, उसमें रिटोटलिंग करवाई गई थी, तो रिटोटलिंग में 00 मार्क्स इनका कर दिया गया। यस BSc और BCom जो मेरी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि इन छात्रों का पहले वैल्यूशन हुआ, उससे ये असंतुष्ट थे, फिर इनके रिवैल्यूशन हुए, रिवैल्यूशन के बाद भी जो है इनके मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ, उसको लेकर के असंतुष्ट हैं। परीक्षा नियंत्रक को जो है इस संबंध में जो है वो कुछ ज्ञापन वगैरह देना चाह रहे हैं और इस संबंध में जो नियमानुसार अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए कार्रवाई थोड़ा उसमें दिक्कत है कि वैल्यूशन हो गया और रिवैल्यूशन हो गया। छात्रों का कहना है कि हम कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं बढ़ गए हैं और कुछ के नहीं बढ़े, तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, यदि माननीय कुलपति जी से चर्चा हुई इस संबंध में और इस सब यदि किसी के साथ कुछ ऐसा है कि उनके साथ वो स्पेसिफाई करें, तो कुलपति जी ने आश्वस्त किया है कि इन पर जो है कुछ वो देख सकते हैं।